हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 फ़ोन है, तो पोको X6 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कंट्रोल सेंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने पोको X6 फ़ोन में, और कंट्रोल सेंटर को आप कैसे बदल सकते हैं पोको X6 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर्स आप कैसे बदल सकते हैं और कैसे कंट्रोल सेंटर को आप चेंज कर पाएंगे पोको X6 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं एंड आप कैसे बदल सकते हैं कंट्रोल सेंटर्स को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपके पास में ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, क्लिक करते ही सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे कंट्रोल सेंटर को बदल सकते हैं अपने पोको फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे जाना है, फिर कंट्रोल सेंटर स्टाइल पे चले जाना है। तो जो भी आप कंट्रोल सेंटर को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं और कंट्रोल सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ओल्ड वर्जन करते हैं, देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से पहले जैसा पुराने वाला कंट्रोल सेंटर शो करेगा। इस तरीके से भी कंट्रोल सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको न्यू वर्जन में भी कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर को। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो न्यू वर्जन कंट्रोल सेंटर आ जाएगा और कुछ इस तरीके का आपका कंट्रोल सेंटर शो करेगा। तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स पर जाकर और बदल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।